हेलो दोस्तों, आज इस टॉपिक में हम लोग बाल मनोविज्ञान सीटेट के जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए आज मैं एक फिर से कंटेंट और एक फिर से एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं, जिसमें सिर्फ हमारे सीटेट के एग्जामिनेशन के बच्चे या टेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हों चाहे वो अपर प्राइमरी के अपर के हों, उनके लिए यानी कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के बच्चे इस एग्जामिनेशन सीटेट या टेट एग्जामिनेशन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं और फॉलोअप कर सकते हैं। बहुत सी रिकमेंडेशन मुझे इसलिए आई थी क्योंकि लोग मुझसे कह रहे थे कि आप खुद ही एक टीचर हो, मैं टेट और सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाइड भी हूं, इसलिए मैंने जरूरी यही समझा कि अब मैं एक वीडियोस आप लोग के लिए इस तरह का भी लेके आऊं। मैं टेक्निकल भी जरूर हूं लेकिन साथ साथ आपको इस तरह के वीडियोस भी दूं ताकि आपको इसका फायदा पहुंच सके और आप अपनी प्रिपरेशन घर पे बैठे कर सके, और सारी वो महिलाएं जो इसमें जो घर से बाहर नहीं आ सकती हैं, वो भी जिनके लिए सुविधा नहीं है कोचिंग क्लासेस की, वो भी वीडियोस को देख के कंटेंट को पढ़ सके। और अभी तक इसका कोई वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं था स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए मैंने इस वीडियोस को पब्लिश किया और सारे कंटेंट मैं आपको दूंगा धीरे धीरे। आप बस इस चैनल पे बरकरार रहे और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले अगर वीडियोस पसंद आए तो। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज क्वेरी जरूर करें ताकि आप रिजल्ट अच्छा स्कोर करें। और डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मुझे डेली फॉलोअप कर रहे हैं तो मच बेटर, आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, चलिए बाल मनोविज्ञान के बारे में आज हम बात करते हैं। जैसे पहला टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये टॉपिक आपका हम लोग का है जो कि जो हम लोग एग्जामिनेशन देते हैं तो इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का टॉपिक इंक्लूड किया गया है, जिसमें 22 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध से लेके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तक, यहां तक 22 चैप्टर इंक्लूडेड है। हर चैप्टर को मैं इसी बुक से और इसी पीडीएफ से पढ़ाऊंगा। अगर ये बुक आपको नहीं परचेज कर पा रहे हैं क्योंकि काफी कॉस्टली भी है ये बुक, नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, इसको फ्री में डाउनलोड कर लीजिए technoshekhar.com, जो वेबसाइट नीचे लिख के आ रही है उस पे जाइए और वेबसाइट पे जाके आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इसी पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं पहला अध्याय अपना शुरू कर रहा हूं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रथम अध्याय। अध्याय फर्स्ट क्या है, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो जब चैप्टर ही विकास का है तो क्यों नहीं थोड़ा सा हम लोग विकास के बारे में चर्चा कर ले। विकास क्या है, आखिर विकास से आप क्या समझते, व्हाट इज डेवलपमेंट। विकास जैसे बौद्धिक स्तर पर अगर बात की जाए तो आज की डेट में हम विकास किसको समझते हैं, हमारे घर बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, रोड होनी चाहिए, चलने खाने के लिए खाना होना चाहिए, ये विकास है। लेकिन यहाँ पे जो हम विकास की बात करने जा रहे हैं, हम लोग चूंकि आप एक टीचर बनने के जा रहे हैं और टीचर के का शिक्षक का परम कर्तव्य है कि वो एक छोटे से बच्चे को डेवलपमेंट करके, एक छोटे से बच्चे का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, हर तरह के विकास को डेवलप करे वो, और जिससे बच्चा समाज में आने वाली कठिनाइयों से लड़ सके और वो इस समाज के लिए एक एक बहुत महत्वपूर्ण रोल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार प्रभावित कर सके ताकि उसका व्यक्तित्व प्रभावित हो, उसके व्यक्तित्व से समाज पर फर्क पड़े। ठीक है, तो इस विकास जो आज का हमारा चैप्टर, हम उस विकास की बात नहीं करेंगे जिसको आज की सरकार और विपक्षी दल लोग बोलते हैं हमारे भारत सरकार में कि विकास पगला गया है, विकास पागल होके घूम रहा है, विकास तो डांडिया कर रहा है, ऐसी चीजें आज हम लोग यह सब चीजें नहीं बढ़ने वाले। हमारा मेन मकसद है, हम एक बार बस ये अपनी अंतर स्थिति को सोचिए और कल्पना कीजिए और सारे बाल विकास की जो चैप्टर है आपका इसको केंद्रित करिए, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर द चाइल्ड। ठीक है, बालक के विकास की बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें विकास यानी डेवलपमेंट, विकास की परिभाषा क्या है, विकास की अवधारणा क्या है, तो ये विकास की अवधारणा है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। मतलब
विकास क्या है? विकास एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में का मानसिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक और भौतिक विकास तथा उसकी सामाजिक विकास भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने कहा था, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस जो है इस तरह भी पूछते हैं कि किसने क्या कहा था, तो इसमें विकास में है। अरस्तु ने कहा था कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। अरस्तु के अनुसार विकास क्या है? आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन, चाहे आंतरिक मतलब खुद की फीलिंग से या किसी रीजन से, इसका मतलब है मुझे खुद की फीलिंग से, जैसे अंदर से मेरे अंदर कोई चेंज आया या बालक के अंदर खुद से कोई डेवलप किया, जैसे वो बालक चलना सीखता है, ये खुद से सीखता है। ठीक है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन चलता है, खाता है, ये सब चीजें बालक की कुछ क्रियाएं वो खुद से होती है, वो अंतः विकास हो जाता है। ठीक है, तो विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन को कहते हैं, ये ऐसा अरस्तु ने कहा था। आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन विकास कहलाता है। आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन विकास कहलाता है, ये अरस्तु का देन। अब विकास के कुछ अभिलक्षण, यानी विकास क्या हो सकता है, विकास किस तरह का हो सकता है, कैसे विकास है क्या, तो अगर विकास के अभिलक्षण की बात करें तो विकास जो है बहुआयामी होता है। हम इस टॉपिक की बात करते हैं, विकास बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होता है। मतलब क्या होता है, और विकास मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि एक बालक का विकास जो है, एक छोटे से बच्चे का विकास कई तरह से होता है। जैसे उसकी सबसे पहले दिन प्रतिदिन या जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी शरीर में वृद्धि होती है, उसकी जेनेटिक क्रियाओं में वृद्धि होती है, उसकी क्रियात्मक क्रियाओं में वृद्धि होती है, सोचने समझने की तर्क शक्ति बढ़ती है। ठीक है, इस तरह विकास, और बहुआयामी का तात्पर्य यह है कि जैसे रुचि के अनुसार बालक अपने विकास को, बालक के विकास में रुचि बहुत डेवलप करती है, रुचि बहुत मायने रखती है। जैसे मान लीजिए मुझे एक छोटे से एक बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है, एक बच्चे को गाना गाना पसंद है, तो जिस बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है उसका विकास उस एक स्पोर्ट्समैन की तरह होगा, और जिस बच्चे को सिंगिंग में जाना है, गाना गाना है, उसका विकास एक सिंगर की तरह पे होगा। ठीक है, मतलब इसका बौद्धिक और सोचने की क्षमता बढ़ेगी, इसकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब विकास बहुआयामी होता है, और थोड़ा सा वो रुचि पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे की रुचि किस में है, उसको किस चीज में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका मतलब क्या है, विकास बहुत ही लचीला होता है, इसका तात्पर्य है कि विकास जो है इतना सॉफ्ट होता है। जैसे मान लीजिए परिस्थिति, और ऐसा बहुत होता है हमारे हिंदुस्तान में, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मेजर करती है कि बच्चों की कुछ चीजें, कुछ बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन उनकी चीजें इसलिए छूट जाती है क्योंकि उनके पास गरीबी होती है, हो सकता है उनके साथ साधन ना हो। जैसे किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन प्लेग्राउंड नहीं है, उसका उसका माहौल इस तरह का नहीं है, वो चीजें हो जाती है आपके विकास डेवलपमेंट इन अ वेरी स्लोली मोशन। ठीक है, विकास तो है लेकिन सुविधाओं की कमी है जिसके कारण विकास बहुत लचीला हो जाता है। ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं, आयु बढ़ने के साथ कद का बढ़ना, अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। जो विकास है वो मात्रात्मक भी होता है, मतलब आपका जैसे आयु बढ़ेगा, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। मात्र आपकी आयु बढ़ेगी तो आपका डेवलपमेंट होगा, आयु के साथ साथ विकास होना संभव है। साथ साथ जब गुणात्मक विकास कैसे होता है, नैतिक मूल्यों से, जितना आप समाज के लोगों के बीच में रहेंगे, जितना आप लोगों से जुड़े रहेंगे, उस तरह का आपका सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास होगा। ठीक है, ये हमारे विकास के अभिलक्षण है कि धीरे धीरे कौन सी चीजें हमारे अंदर हो रही हैं। विकास के आयाम, अब देखिए विकास के आयाम किस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास, शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास और सामाजिक विकास। ये सब होते क्या हैं, शारीरिक विकास, देखिए शारीरिक विकास का तात्पर्य है शरीर के बाह्य परिवर्तन, जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किंतु शरीर के
आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। देखिए होता क्या है, शारीरिक विकास का मतलब होता है कि शरीर की जो वृद्धि है, सबसे पहले वो डिपेंड करती है कि उसके खान पान क्या है। बच्चे का जो शरीर का वृद्धि होती है वो बच्चों के खान पान पर डेवलप करता है। सबसे बड़ा ये फैक्टर है कि जिस हिसाब से खान पान होगा, जिस हिसाब से इन्वायरमेंट होगा, उस हिसाब से बच्चे का विकास होता है। ठीक है, शरीर की वृद्धि, कितना प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं, ऐसे इस तरह की गवर्नमेंट बहुत स्कीम भी लगाती है स्कूलों में, जैसे MDM मिड डे मील का खाना खिलाती है, हर प्रत्येक बच्चे को 100 ग्राम का भोजन दिया जाता है, हर एक बच्चे पे 100 ग्राम काउंट होके आता है, उस हिसाब से गवर्नमेंट पेमेंट भी करती है। कि और छोटे छोटे स्कूल मतलब आंगनबाड़ी जैसे जो नर्सरी से भी नीचे हैं, उन बच्चों के लिए दरिया वगैरह का व्यवस्था किया जाता है। एक संस्था चलती है आंगनबाड़ी, जानते होंगे, बाल विकास परियोजना, उसके माध्यम से सरकार जो है छोटे से बच्चों को दरिया वगैरह अवेलेबल कराती है, जिससे उनके और माताओं को भी उसमें अवेलेबल कराती है, गर्भावस्था में के दौरान वो दरिया वगैरह का सेवन करती हैं, जिससे उनको प्रोटीन वगैरह बराबर मिलती रहे, जिससे बालक का शारीरिक विकास हो सके। ठीक है, अच्छा, शिक्षक का भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर, शिक्षक इसमें सबसे बड़ा बच्चों के शारीरिक विकास के लिए शिक्षक भी बहुत जिम्मेदार होता है। जब आप शिक्षक बनेंगे या आप शिक्षक बनते हैं तो एक शिक्षक का परम कर्तव्य यह है कि वो उसे मालूम होना चाहिए कि बच्चे का खान पान कैसा है, बच्चा किस तरह की चीजें खाता है और किस तरह की चीजें उसको किस चीज की कमी है, उसके शरीर में विटामिन्स की कमी है, क्योंकि इस तरह की फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती रहती है कि बच्चे की शारीरिक, क्योंकि अब सरकार ऊपर से आपको बजट तो दे दी कि आप MDM खिलाओ, लेकिन वो यही बोलती है ना कि शिक्षक इस चीज की गुणवत्ता की जांच करें और तो वही भोजन बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो शारीरिक विकास में शिक्षकों की भूमिका बहुत ज्यादा मायने रखती है, वो बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, यानी शारीरिक विकास का टोटल संबंध हमारे पोषक तत्वों से है, बच्चों के पोषक तत्वों से है, बच्चा क्या खाता है क्या पीता है इससे शारीरिक विकास का पूरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा होता है मानसिक विकास। अब मेंटल डेवलपमेंट एक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इसमें भी शिक्षकों का रोल क्या है। शिक्षक जो है एक बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट या बौद्धिक विकास या सोचने की क्षमता या मानसिक विकास कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनको गणित पढ़ाइए। गणित एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिससे बच्चों में तर्क करने की क्षमता आती है। अगर वो मल्टीप्लीकेशन करते हैं या एडिशन करते हैं तो तर्क शक्ति जो है आपकी गणित से बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। कला भी एक ऐसा ही विषय है जिसके द्वारा बच्चों में सोचने की क्षमता का विकास होता है, उनकी इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति का और दृढ़ शक्ति का विकास होता है, ये बच्चों के ऊपर कुछ विषयों से ही होता है। तो शिक्षा का परम कर्तव्य ये है कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए वो उसमें इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति और समस्या का समाधान करने की गुण को उसमें जरूर बढ़ाए, बच्चों के को ध्यान रखे कि उसमें इस तरह के विकास किस किस माध्यम से हो सकते हैं कि वो इच्छा शक्ति को डेवलप कर सके। ये होता है मानसिक विकास। तीसरा, सामवैगिक विकास। सामवैगिक विकास क्या होता है, देखिए संवेग, संवेग मतलब एक होता है क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह और खुशी, ये सब संवेग हैं। एक बच्चे में संवेग कैसे उत्पन्न होता है, बच्चे को क्रोध कब आता है, बच्चा खुश कैसे होता है, बच्चे को घृणा कैसे होती है, बच्चा आश्चर्यचकित या प्यार भरे नजरों से, स्नेह भरे नजरों से कैसे देखता है, ये सब संवेग है। तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संवेग क्रोध, प्रेम और भय है। एक बच्चे क्रोध का क्या मतलब है, जैसे एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को जब उसकी माँ से आप अलग करो, ठीक है, या फिर अगर उसको भूख लगी हो तो वो रोता है, चिल्लाता है, वो उसकी क्रोध की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, ये उसका क्रोध संवेग काम करता है, वो अपना हाथ पैर पटकता है, क्योंकि उसको भोजन नहीं, वो भूखा है, तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है। ठीक है, और भय मतलब उसको अगर माँ से आपने दूर किया तो बच्चा डर जाता है, या फिर आप देखिए कभी कभी हम लोग भी छोटे बच्चे में क्या करते हैं, छोटे बच्चों को आप जाके धीरे से हो करते हैं तो बच्चा डर जाता है। मैं जाता हूँ
कभी छोटे बच्चे क्या, बड़े बच्चे आप बड़े से आ रहे अचानक किसी और चीजों में खोए हुए और किसी ने अचानक वो किया तो आप क्या करेंगे, आकस्मिक डर जाएंगे। तो दिस इज द समलैंगिक विकास, ये संवेग होता है, क्रोध प्रेम, प्रेम का भी उत्पन्न माँ से ही होता है, क्योंकि जब माँ उसको बच्चे को पालती है, बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ से, माँ के ही पास होता है, इसलिए उसका माँ से स्नेह बहुत ज्यादा रहता है। तो ये प्रेम भी एक संवेग है, और इन सब चीजों का भी विद्यालय में जो शिक्षक है वो इस चीजों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि बच्चे को क्रोध ना आए, बच्चे को ये बातें समझाएं। ये देखते हैं, शिक्षकों का परम कर्तव्य यही होता है कि शिक्षक इस बात को समझ सके कि बच्चा किस चीज से क्रोधित हो रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मुझे, अगर सपोज अब छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा बहुत बड़ी चीजें तो समझेगा नहीं, वो क्या समझेगा, उसको कोई बच्चा उसका पेंसिल ले लिया, कोई उसकी कॉपी छीन लेगा, ठीक है, तो उसको क्रोध आ जाएगा, किसी बच्चे ने उसका बैग टच कर दिया तो उसको क्रोध आ जाएगा, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, शिक्षकों का काम है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखे और बच्चों को समझाए, ठीक है, भाईचारे का स्नेह, उनको ज्ञान दे ताकि बच्चे इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखे और वो एक दूसरे को साथ स्नेह करें, एक दूसरे के साथ नफरत के व्यवहार न करें, वो एक दूसरे में स्नेह रखे। घृणा मतलब क्या होता है, घृणा, बच्चों को एक दूसरे से घृणा कब होती है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है बार बार उसको मारता है, कुछ शरारती तत्व भी होते हैं, एक बच्चा या कोई शिक्षक ही है वो गया क्लास में और कुछ नहीं, बच्चों को बस तड़ातर दनादन मारना शुरू किया, तो क्या होगा, बच्चे को अंदर उस टीचर से, उस शिक्षक से स्नेह नहीं मिलेगा, उससे सिर्फ और सिर्फ घृणा ही होगी। ये जब ये शिक्षक देखो जब भी आता है पीटता ही है, और कुछ शिक्षकों में बड़ा, कुछ शिक्षक इस चीज को अपने आप में बहुत अच्छा मानते हैं, यार मैं गया और बच्चे को तड़ातर पीट दिया, मेरे जाते ही बच्चे शांत हो जाते हैं। ये शिक्षकों में एक बहुत बड़ा कंपटीशन भी होता है कि जैसे ही मैं क्लास में एंट्री करूंगा बच्चे शांत, इसमें टीचर अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंशियल मानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो उनकी पहलू है कि बच्चा उनके रिस्पेक्ट में शांत रहा है या उनसे घृणा कर रहा है, ठीक है। तो इसको सामवेगी विकास कहते हैं। क्रियात्मक विकास क्या होता है, क्रियात्मक विकास का अर्थ है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास का मतलब है जैसे बालक जो है चलना उठना बैठना ये सब चीजें कैसे करता है, जब उसकी क्रियात्मक विकास होता है, मतलब आप थोड़ा सा छोटा बच्चा है उसको चलाते रह रहे हैं, हाथ पकड़ के चला रहे हैं, तो धीरे धीरे बच्चा इस चीज को समझने लगता है, तो उसका ये सब चीजें उसकी क्रियात्मक विकास हो जाते हैं और बच्चा जो है डेवलप कर जाता है अपनी चीजों को खुद करने में, वो अपने आप उठेगा ब्रश करेगा। हम पहले बच्चों को सिखाते हैं, बाद में बच्चा धीरे धीरे अपनी नित्य क्रियाएं खुद ही करने लगता है, ये उसका क्रियात्मक विकास है। वो उठ के खुद ही पानी पीने लगेगा, खुद ग्लास रखता है, खुद खाना खाने लगता है। ये सब चीजें हमको भी थोड़ी अच्छी लगती हैं, आप जब बड़े होते हैं, इसी तरह शिक्षकों को भी सबसे परम कर्तव्य है कि वो बालक में क्रियात्मक विकास का ध्यान रखे, क्योंकि गांधी जी के अनुसार खेल कूद में शिक्षा, ये एक बहुत बड़ा सीखने का तर्क है, उन्होंने दिया था गांधी जी ने कि खेल कूद में जो बच्चा सीख लेता है वो बच्चा पढ़ा के जबरदस्ती मार के दंड दे के नहीं सीख पाता है। इसलिए शिक्षकों का परम कर्तव्य है कि बालक के क्रियात्मक विकास पर ध्यान दें ताकि बच्चे में कर के सीखने का गुण पैदा हो। नेक्स्ट है भाषाई विकास। भाषा, अब देखो ये तो सबसे बड़ी चीज है, अगर बच्चा अपने बातों को कैसे रखेगा, भाई अगर मैं बोल रहा हूं आपसे तो मैं अपनी बात आपको हिंदी में दे रहा हूं और आप अगर हिंदी समझ रहे होंगे तभी तो मेरी बात समझेंगे, जिसको तमिल समझ में आती है वो मेरी भाषा क्यों समझेगा, उसको समझ में नहीं आएगा मैंने कहा क्या। यानी कन्वर्सेशन या बातचीत करने के लिए या अपने बातों को रखने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो भाषा का विकास। तो भाषा का विकास बच्चे में कैसे हो जाता है, वो आसपास के एनवायरमेंट से, पर्यावरण से, शिक्षक जैसा पढ़ाते हैं जैसा बताते हैं उन्हीं की तरह वो भी बात करता है। अगर आप हिंदी बात करेंगे तो हिंदी में बात करेगा, शिक्षकों ने माहौल अगर इंग्लिश में बना दिया तो बच्चा इंग्लिश में बात करने लगेगा। इसका मतलब भाषाई विकास, अच्छा ये भाषा का विकास वरन परिवार से ही शुरू हो जाता है। भाषा का विकास जैसा परिवार के अंदर बातचीत होती है, जैसा बालक के घर के अंदर का माहौल होता है, वैसी भाषा का वो इस्तेमाल करता है। रहन सहन पालन पोषण का इस चीज पर बहुत फर्क पड़ता है भाषा के विकास में, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है विकास के लिए। भाषाई विकास की अगर हम बात करें तो बालक जो है
छह माह से एक वर्ष के बीच कुछ शब्द समझने एवं बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्य को बोलने लगता है। 15 से 16 वर्ष के बीच काफी शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है, इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। और लास्ट है आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का मतलब क्या है? सामाजिक विकास का मतलब होता है कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कितना हो रहा है। जैसे अब देखो, छोटा सा बच्चा जो है समाज में कैसे डेवलप करेगा? सबसे पहला समाज एक छोटे से बच्चे का उसका खुद का परिवार होता है। अब जैसा परिवार वाले बिहेव करते हैं, बच्चा कहीं बाहर से सीख के नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि उसको किसी ने बाहर से सिखाया हो। लोग कहते हैं कि देखो अब ये उन्होंने चढ़ा दिया, उन्होंने कह दिया, वो मेरे बच्चे को बिगाड़ रहा है, वो मेरे, ऐसा कुछ नहीं है। बालक का सबसे ज्यादा विकास बचपन में उसके माँ बाप से, क्योंकि जब 6 साल से नीचे का बच्चा है तो स्कूल थोड़ी ना जाता है। मतलब अगर हम आंगनबाड़ी की बात हटा दें या 3 साल से नीचे मान लीजिए, तो बच्चा स्कूल नहीं जाता है। वो जो भी सीखता है, और 3 साल में बच्चा बोलने लगता है, चलने भी लगता है। तो 3 साल के बच्चे का विकास उसके माँ बाप की जो रहन सहन होता है, बच्चा चिड़चिड़ा है, बच्चा क्रोधित है, बच्चा गुस्सैल है, ये सब चीजें घर के माहौल से ही उसको पता चलता है। क्योंकि पहले क्या होता है, हम लोग बच्चे को लाड प्यार से बहुत पालते हैं, और उसके बाद जब बच्चा थोड़ा जिद करने लगता है तो हम उसको थप्पड़ भी जड़ते हैं। पहले खुद ही बिगाड़ते हैं, फिर खुद ही पीटते हैं। पहले कोशिश करते हैं कि बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है। जब बोलने लगता है तो कहते चुप नहीं हो रहा है यार, इतना बोल रहा है, इतना बोल रहा है, मैं परेशान। मतलब सोचो क्या इतनी बड़ी टेंडेंसी है अपनी, कि एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो आस पास सारे लोग घेर के खड़े हो जाते हैं इस कोशिश में कि बच्चा कब बोलेगा, कब बोलेगा, कब बोलेगा। काफी परिवार के लोग उसमें सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट हो। लेकिन जब वो बच्चा बोलने लगता है, जब बच्चा थोड़ी बातचीत करने लगता है, तो वही लोग कहते हैं अरे यार कितना बोल रहा है यार, इसके बातों से पक जाना, दिन भर बोलता है, चुप रहो यार, चुप रहो यार, बस कर भाई, भी चुप रहे। ऐसी चीजें बच्चों के साथ होती हैं। फिर वो बच्चा रोता है, अपनी बातें रखता है, तो पहले तो अच्छा लगता है, बाद में चूंकि वो डिमांड करने लगता है तो माँ बाप भी उस तरह का बिहेव करने लगते हैं, और वो किसी सामान को जिद करने लगता है तो माँ बाप थप्पड़। ठीक है, तो वो सब चीजें बहुत डेवलप करती हैं। कि सामाजिक विकास बच्चों के घर से ही होता है, परिवार से होता है, तब जाके उसका विकास शिक्षकों के द्वारा होता है। माँ बाप के बाद अगला रोल शिक्षक प्ले करते हैं, ताकि वो शिक्षक जो है उसके अंदर अच्छाई बुराई, समाज का डर, सामाजिक चीजें, माँ बाप से प्यार, लोगों की समझ, कानून की समझ, ये सब चीजें या नियमों की समझ, ये सब चीजें जो है सामाजिक विकास शिक्षक के द्वारा ही दिया जाता है। उसके बाद बच्चा अपने दोस्तों से सीखता है, रिश्तेदारों से सीखता है, माँ बाप से सीखता है, दादा दादी से सीखता है, अपने संबंधों से सीखता है। इस तरह का समाज उसके आसपास ऐसा हो जाता है, जब क्योंकि जिस समाज में वो है, जब कॉलेज लाइफ खत्म हो जाती है एक बच्चे की, तब जाके वो इस सोसाइटी में कदम रखता है, ताकि क्योंकि उसका जीवन, क्योंकि कॉलेज तक की लाइफ में वो अपने आसपास के लोगों से सीखता है, अपने आसपास के माहौल से सीखता है, अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। तो अच्छा, और कोशिश यही करना चाहिए कि सब एक बच्चे के आसपास का विकास, जो सामाजिक विकास हो रहा है, उस पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, और ऐसी चीजें ना हो बच्चे के आसपास कि बच्चे की दिमागी संतुलन या दिमागी चीजों पे असर पड़े और वो अच्छी नीतियों की अपेक्षा कुरीतियों पे चला जाए। इस बात का ध्यान शिक्षक को और माँ बाप को दोनों को रखना है। अब अगर हम सोसाइटी की बात करें तो कैसे सामाजिक विकास होता है, यानी सबसे पहले परिवार से, फिर शिक्षकों से, फिर उसके दोस्तों से, दोस्तों के बाद वो जाते हैं किसमें, दोस्तों के बाद रिश्तेदारों से, रिलेशनशिप से, इन सब से डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। और जब कॉलेज लाइफ पास आउट हो जाती है एक बच्चे की, तब जाके विकास एक बृहद रूप लेता है। और बच्चा जितना अपनी पूरी जिंदगी में 20 और 22 साल की उम्र में अपने कॉलेज को खत्म करते करते जितनी चीजें सीखता है, वो इस समाज में बैठ के वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और तब उसका एक व्यक्तित्व निखरता है, जिसकी वजह से वो समाज में अपनी सेवा दे सकता है और समाज को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। तो हम लोग इस पूरे टॉपिक में हम लोगों ने किस बात की चर्चा की, विकास की। विकास में कौन कौन से विकास हुआ, सबसे पहले शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामवैगिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास और सामाजिक विकास। जिसमें कंक्लूजन इसका क्या है,
सामाजिक विकास जो आपका शारीरिक विकास है वो बच्चे की पोषक तत्वों पर डिपेंड करता है कि बच्चे का खान पान कैसा है। मानसिक विकास बच्चों की सोचने की कार्य शक्ति, कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति और उसकी तर्क शक्ति पर निर्भर करता है कि बच्चे का मानसिक विकास कैसा हो रहा है। उसके बाद सामाजिक विकास बच्चे का क्रोध, प्रेम, भय, घृणा, स्नेह, ये सब चीजें बच्चों के सामाजिक विकास के बीच में आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भाषाई विकास। भाषाई विकास जो है बच्चों को आसपास जो भाषा का इस्तेमाल लोग करते हैं उसके आसपास वातावरण जैसा रहता है उससे भाषाई विकास होता है। उसके बाद शारीरिक विकास, शारीरिक विकास में बच्चे का सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में बच्चे का परिवार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद उसके उसके शिक्षक उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्त जो उसके साथ स्कूलों में बनते हैं, रिश्तेदार, ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तब जाके सामाजिक विकास में बच्चा जो है जब कॉलेज पास आउट कर लेता है तब उसका बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक विकास हो चुका रहता है। और विकास की प्रक्रिया, एक बात ध्यान रखिएगा, विकास की जो प्रक्रिया है वो सतत है, निरंतर है, चलती रहती है, गर्भावस्था से लेके मरने तक विकास कभी नहीं रुकता है। क्योंकि अभी हम लोग अवस्थाएं भी पढ़ेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, यहां तक पहुंचेंगे धीरे धीरे, लेकिन विकास कभी खत्म नहीं होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, गर्भावस्था से लेकर मरने तक चलता है, इसलिए विकास हमेशा होता है, विकास कभी नहीं रुकता। तो उम्मीद करता हूं कि ये डेवलपमेंट का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक हम लोग वृद्धि का पढ़ेंगे। वृद्धि क्या है?